अपने लहू में जानू के गा लहू तो ये अंधेरे न रहे धरती को खून पिलाना है मिट्टी का कर्ज चुकाना है धरती को खून पिलाना है मिट्टी का कर्ज चुकाना है मिट्टी ने दी है जान हमें मिट्टी ने दी है जान हमें इस बात का है अभिमान 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 हमें इलेक्शन जीतने के बाद अगर आप हवन रखते तो अच्छा होता क्यों नहीं लोग कहते हैं कि सहगल भाई को इलेक्शन हारने का डर है हम सबके लिए इन्हें जीतना होगा I'm sorry he lost the election सहगल साहब इलेक्शन हार गए हैं ये खबर फ्रंट पेज पे मत छापना आप बिल्कुल फिक्र ना करें सर ऐसे ही होगा जब नरेश ने गोली चलाई उस वक्त कहाँ थी तुम उसी के साथ थी डैड और कौन कौन था तुम्हारे साथ डॉली और ऐश्वर्या नरेश ने गोली चला दी कमिश्नर साहब आए थे तो हमने कहा कमिश्नर साहब आए थे हाँ तो आए होंगे डैड की हार का मातम मनाने के लिए मैं क्या करूं वो कह रहे थे तुमने किसी पब में गोली चलाई है जब आप सबको जान चुकी हैं तो मुझसे क्या पूछना है यहाँ पे कितनी बदतमीज औलाद हो तुम तुम्हें हमारी इज्जत की कोई परवाह नहीं तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से वो इलेक्शन हारे हैं अब ये इल्जाम भी मुझ पर ही लगाया जाएगा यकीनन ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है तुमने हमेशा अपने डैडी के औहदे और पहुंच का फायदा उठाया है वरना इंसानी जानों से खेलने की तुम्हारी हिम्मत वो पिस्तौल हमारे हवाले कर दो नहीं दूंगा क्यों नहीं दोगे अब किसी का खून करने का इरादा है क्या नरेश हम कहते हैं वो पिस्तौल हमारे हवाले कर दो ये तुम्हें कहां से मिली खरीदी है मैंने क्यों अपनी हिफाजत के लिए तुमसे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है फिर भी हम कहते हैं हम बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं हमारी मुश्किलें और मत बढ़ाओ नरेश के बारे में पढ़ा फायर्ड अ शॉट इन अ पॉप
इस वक्त आप ये खबर मत पढ़िए। प्लीज मेरी बात मानिए, इस वक्त मत पढ़िए। आपको इस खबर के बारे में पता था? जी हाँ। तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? क्योंकि आप कल बहुत परेशान थे, मैंने मुनासिब नहीं समझा। हमारी सबसे बड़ी परेशानी हमारी औलाद है। नरेश, मैं आऊं डैड। तुमने कल रात पब में गोली चलाई? हाँ चलाई, क्योंकि मैं ना सुनने का आदि नहीं हूँ। बार काउंटर पर खड़ी लड़की ने मुझे ड्रिंक देने से इनकार किया तो मैंने गोली चला दी। You heard that? चुप। इस वक्त आप इसे कुछ मत कहिए, इस पर कोई असर नहीं होगा। ये लड़का हमारी शिकस्त का जिम्मेदार है, इसकी वजह से हमारी हार हुई और आप कह रहे हैं कि हम इसे कुछ ना कहें? अपनी हार के जिम्मेदार आप खुद ही जाएंगे। कसूर आपका है, आपने उन लोगों पर भरोसा किया जो भरोसा करने के लायक नहीं थे। अब हमें सियासत तुमसे सीखनी पड़ेगी? जी नहीं, लेकिन आपकी गलतियों से मैं सीख रहा हूँ। आप अपनी हार का जिम्मेदार मुझे ठहराते हैं? मैं आपको ये साबित करके बताऊंगा कि आपकी हार का जिम्मेदार कौन है। तुम किसी की भी तरफ आंख उठाकर नहीं देखोगे। यू गेट मी? आप मेरे ऊपर इल्जाम लगाते रहे और मैं चुप रहा हूँ? हमारे अपने ही लोगों ने हमारे साथ गद्दारी की है, उनकी जन्म कुंडली मैं आपको लाके दूंगा। ये लड़का एक ना एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में डालेगा हमें। हमारी हार का जश्न मनाया जा रहा है यहाँ पे? नहीं 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 नहीं। क्या तुम लोगों को जो इलेक्शन कैंपेन के लिए पैसा दिया गया था वो भी ऐसे ही उड़ा दिया तुम लोगों ने? जुआ खेलकर और मौज मस्ती करके कट्टर कहीं मैं कुछ नहीं किया। तो फिर किसने किया ये सब? किसने धोखा दिया हमें? छोटे बाबू, अरे गोली मारी है इनको, मैं बताता हूँ आपको। ए चलो फूटो, चलो दफा जाओ, चलो 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 चलो। मैं जानता हूँ कि कौन किसके साथ मिला हुआ है, असल खेल कुछ और है। क्या है असल खेल? बेलापुर का म्युनिसिपल कारपोरेटर है शर्मा, जानते हो उसे? हाँ जानता हूँ। ये आग उसी की लगाई हुई है, रोज जलसे किया करता था, मंदिरों और स्कूलों में सभा बुलाकर लोगों को बड़े साहब के खिलाफ भड़काता था। अपने भाषण में कहता था कि बड़े साहब ने गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि गरीबों को लूट लूट कर अपनी तिजोरियां भरी है। बस उसी के बहकावे में जनता आ गई और किसी ने वोट नहीं दिया। खबर पक्की है? 16 आने पक्की है। अच्छा हुआ जो आप यहाँ आ गए, वरना मैं खुद आने वाला था बड़े साहब के पास। अगर आप कहें तो नहीं, अभी नहीं, जब तुम्हारी जरूरत होगी तो बुला लिया जाएगा तुम्हें। न गुल खिले हैं न उनसे मिले। सुनिए चौहान भाई साहब आए हैं। यहीं बुलवा लीजिए। ना गुल खिले न उनसे मिले न मैं पी है अजीब रंग। आप बैठिए ना भाई साहब प्लीज। अब के बहार गुजरी है। हेलो सगल साहब, कैसे हैं आप? दिल अभी पूरी तरह टूटा नहीं, दोस्तों की मेहरबानी चाहिए। मैं समझ रहा हूं आपका इशारा किस तरफ है। हम इशारों में बातें नहीं किया करते चौहान साहब, जो कहना होता है साफ लफ्जों में मुंह पे कहते हैं। जनाब सहगल साहब, मुजरिम को भी एक मौका दिया जाता है सफाई देने का, इस बेगुनाह को भी कुछ कहने दीजिए। खैर छोड़िए चौहान साहब, ये बताइए क्या पियेंगे? वुड यू लाइक सम बियर? अरे गंगुआ दो ठो बियर लाना जरा भैया। नहीं नहीं, इस समय बियर का वक्त कहाँ, पहले कुछ बातें कर ले। देखिए नरेश के पब वाले हादसे का जब तक मुझे पता चला अखबार प्रेस में जा चुका था। आप अखबार के मालिक हैं चौहान साहब, क्या मालिक कोई इख्तियार नहीं कि वो अखबार को रोक सके? मेरा यकीन कीजिए सैगल साहब, बाय देन इट वाज टू लेट, अखबार छपकर बिकना शुरू हो चुका था।
अपनी अखबार बेचने के लिए आपको हमारी खबरों का सहारा लेना पड़ता है। चौहान साहब, जब कोई गैर ऐसी ओछी हरकत करता है तो इतना दर्द नहीं होता, लेकिन जब कोई अपना पीठ पीछे वार करता है तो बहुत दुख होता है, बहुत। सैगल साहब, आप प्लीज। अरे नहीं चौहान साहब, आप माफी क्यों मांगते हैं? इस वक्त आप हमारे मेहमान हैं और मेहमान के साथ इस कदर बदतमीजी से बात करना हमारी तहजीब के खिलाफ है। हम माफी चाहते हैं मगर अपने आप को रोक नहीं सकते। I'm sorry. ये तो बहुत नाराज हैं मुझसे। इनकी नाराजगी जायज है भाई साहब। कल शाम को इलेक्शन हारने के बाद ये परेशान थे, फिर ये खबर पड़ी और भी परेशान हो गए, और खबर छपाने वाले आप थे तो बहुत ज्यादा अपसेट हो गए थे। नहीं भाभी, ये खबर मैंने नहीं छपाई थी, ये तो जयदेव ने छपवाई। जयदेव कौन? मेरा एडिटर। थोड़ा सरफिरा है लेकिन काबिल है, इसलिए झेलना पड़ता है उसे। ऐश्वर्या का दोस्त है वो। ऐश्वर्या का दोस्त है? जी, कल रात पब में वो दोनों भी थे। अजूब है, ऐश्वर्या ने जिक्र नहीं किया। एनीवे, आप चाय पीजिएगा भाई साहब। नहीं भाभी, आज नहीं, फिर कभी सही। सैगल साहब का मूड ठीक हो जाए तब। नमस्ते। नमस्ते। शर्मा है घर में? आप कौन हैं? देखो अगर वो घर में है तो बुलाओ उसे। तमीज से बात करना किसी ने सिखाया नहीं तुम्हें? कनक, कौन आया है? पता नहीं कौन है, बहुत बदतमीजी से बात कर रहा है। मेरा नाम नरेश है, कृष्ण कुमार सहगल का बेटा हूं मैं। सहगल साहब के बेटे, यहां क्यों आए हो? सबक सिखाने आया हूं, वार्निंग देने आया हूं कि जो गद्दारी तुमने हमारे साथ की उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कैसी बेहूदा बातें कर रहे हो तुम? क्या गद्दारी की हमने तुम्हारे साथ? वो तुम ही हो ना जिसने जनता को हमारे खिलाफ भड़काया, जैसे कि मीटिंग्स बुलाए कि कोई सहगल साहब को वोट ना दे। हमने सब कुछ नहीं किया। मेरी खबर कभी गलत नहीं हो सकती, झूठ बोलता मुझसे, झूठ बोलता मुझसे। कनक, खबरदार जो दोबारा मेरे पापा को हाथ लगाया। चले जाओ यहां से वरना सिर फोड़ दूंगी। कनक तुम चलो, मैं उससे बात करता हूं। तुम चलो कनक, मैं उसे समझा दूंगा, तुम जरा भी चिंता मत करो। ये नेता की औलाद हमें सबक सिखाने आया था, आज ये हमसे एक सबक सीख कर जाएगा। हम बेवकूफ और बुद्धिमान नहीं है जैसा तुम समझते हो, इसलिए तुम जैसे लोगों के दिन पूरे हुए। अब यहाँ जनता का राज होगा। यू पीपल कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड एनी मोर। तेरा भाषण सुन के मुझे यकीन हो गया कि गद्दार तेरा बाप। मैं फिर आऊंगा तुझसे और तेरे बाप से अपना हिसाब चुकता करने। कनक, ये तुमने अच्छा नहीं किया,
मैंने इस लड़के के बारे में सुना है, बहुत खतरनाक लड़का है ये। जो वाकई खतरनाक होते हैं वो धमकियां नहीं देते। शेर की खाल पहनकर डराने वाला लोमड़ी है ये। इसका भी बंदोबस्त करूंगी मैं। नमस्कार। बैठिए 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 बैठिए। आप कहिए। सरकार हम तो लूट गए, बर्बाद हो गए। क्यों, क्या हुआ? सरकार आप चुनाव हार गए, हम बेसहारा हो गए। अब कौन सुनेगा हमारी, कौन मदद करेगा हमारी? अरे भाई, तो इसमें चिंता की क्या बात है? हम चुनाव ही हारे हैं, कोई जिंदगी थोड़ी हार गए। क्यों, जैसे आप लोगों के पहले काम होते रहते थे, अब भी वैसे ही होते रहेंगे। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब भी हमारे लायक कोई काम हो तो बताइए। हाँ बड़े सरकार, काम तो है। हम ये अर्जी लाए हैं आपके लिए। मैं कमिश्नर साहब से मिलना चाहती हूँ, पुलिस कमिश्नर मिस्टर त्यागी। आपको उनके पीए साहब से मिलना पड़ेगा। कहाँ है वो? सर, मैडम कमिश्नर साहब से मिलना चाहती हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम ये कागजात ले जाओ और वहाँ जाकर उनको दे देना, ठीक है? सर मैं, क्या काम है आपको? मेरा नाम कनक है, बेलापुर की म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर विश्वनाथ शर्मा की बेटी हूँ मैं। अच्छा सुनिए, देखिए मैंने आपका नाम पता नहीं पूछा, काम बताइए आप। मुझे किसी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करानी है। उनसे कहना कि हमसे कॉन्टेक्ट करें आकर के। तो पुलिस स्टेशन जाइए ना, अब यहाँ क्यों आई है? ये पुलिस हेडक्वार्टर्स है और कमिश्नर साहब से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो अपॉइंटमेंट दिलवाइए मुझे। याद से दे देना, उनसे कहना हमसे कॉन्टेक्ट। मैंने कहा अपॉइंटमेंट दिलवाइए मुझे। मैडम व्हाट्स योर प्रॉब्लम? आई वांट टू आस्क यू द सेम क्वेश्चन, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? कमिश्नर साहब से क्यों नहीं मिल सकती मैं? क्या वो इतने बिजी है? क्या काम है आपको मुझसे? कहिए। एक गुंडे ने मुझे और मेरे पिता को धमकियां दी है, हमारे घर में घुसकर हम पर हमला करने की कोशिश की। एक आम पुलिस स्टेशन में मेरी सुनवाई नहीं होती, इसलिए मैं आपके पास आई हूं। वो गुंडा कौन है, पहचानती हैं आप? आप भी जानते होंगे उसे, इस शहर के नेता कृष्ण कुमार सहगल का बेटा नरेश सहगल। धमकी देने की वजह? मेरे पिता विश्वनाथ शर्मा म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर हैं। इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने हिस्सा लिया था। नरेश ने उन पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने जनता को भड़काया और उन्हें वोट देने से रोका, इसलिए सहगल साहब इलेक्शन हार गए। आई सी। मैं नरेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा रही हूँ और उसे सजा दिलवाने में आपको मेरी मदद करनी होगी। आपकी जरूर मदद करेंगे हम, लेकिन एक सुझाव है, आप रिपोर्ट दर्ज ना कराएं तो बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि आपका केस कमजोर है, उसने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, धमकियां दी हैं इसका सबूत भी नहीं है आपके पास, लेकिन मुझे यकीन है कि आप सच बोल रही हैं, इसलिए उसे बुलाकर वार्निंग दूंगा कि वो दोबारा ऐसी हरकत ना करे, ठीक है? उसने जब पब में गोलियां चलाई थी तभी आपने ऐसा ही किया था? उसे यहाँ बुलाकर सिर्फ वार्निंग दी थी? आप उसे फरियाद करने आई हैं या वकीलों की तरह जिरह करने आई हैं? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कमिश्नर साहब। गोलियां चलाने के जुर्म में पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अब तक आजाद कैसे घूम रहा है वो? हमसे ये सब सवाल पूछने वाली आप होती कौन है? जनता की प्रतिनिधि हूँ मैं और आप जनता के सेवक हैं। आपको इस सवाल का जवाब देना होगा। एक सीनियर पुलिस अफसर से इस लहजे में बात करने का अंजाम जानती हैं? वाह वाह,
एक ही थैली के चट्टे पट्टे हैं। पहले एक नेता का बिगड़ा हुआ बेटा धमका कर गया, अब एक पुलिस ऑफिसर धमका रहा है। जनता के दोस्त नहीं, जनता के दुश्मन है आप जैसे लोग। संभाल कर बात करो, वरना क्या कर लोगे? हाँ क्या कर लोगे? आप वही करोगे ना जो आज तक करते आए हो। गुनहगारों को सजा नहीं दिलवा सकते, लेकिन जो बेगुनाह है उन्हें अपने जुर्म का शिकार जरूर बनाओगे। गिरफ्तार करो इस लड़की को। इसका जुर्म यह है कि इसने हेडक्वार्टर में आकर फसाद बर्पा किया, तोड़फोड़ की और सीनियर पुलिस अफसर के साथ बदतमीजी सीखी और सच बोला। क्यों सच नहीं बोला? शट अप! दो दिन पुलिस लॉकअप में रहोगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। ले जा से। छोड़ दो मुझे, मैं भाग कर नहीं जाऊंगी। मुझे अरेस्ट करके बहुत बड़ी भूल कर रहे हो आप। वो दिन दूर नहीं जब यहाँ जनता का राज होगा और इस देश को वो लोग चलाएंगे जिन्हें हिंदुस्तानी होने का गर्व है, जिन्हें हिंदुस्तानी होने का गर्व है, जिन्हें हिंदुस्तानी होने का गर्व है। और तुम जैसे देशद्रोही जनता की अदालत में सिर झुकाए हुए खड़े होंगे। इसका भाषण क्यों सुन रहे हैं आप लोग? लेके जाओ उसे। इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान।